सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने वाली मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बताएं, याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क देने के फैसले को चुनौती दी गई है। ये याचिका एनटीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स की तरफ से दायर की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ग्रेस मार्क्स जो दिया गया उसे लेकर और तमाम जो विवाद है नीट परीक्षा को लेकर उसे ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाने वाली है। और आपको बताएं कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस पूरे मामले की आज सुनवाई करने वाली है। चौबीस का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया। और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें? देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। इस बीच मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ कई छात्र संगठन एकजुट हो गए। देश भर में कई छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए और परीक्षा में हुई गड़बड़ी का विरोध करते दिखाई दिए। और दिल्ली में तो छात्र संगठन एनएसयूआई भी नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के समर्थन में उतर आया। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए कई बैरिकेड भी लगाए, लेकिन गुस्साए छात्र उन बैरिकेड पर ही चढ़ गए और पुलिस के सामने नारेबाजी करते नजर आए। इसके अलावा राजस्थान के सीकर में भी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां छात्र संगठन एसएफआई ने पैदल मार्च निकाला और नीट परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ऐसा ही प्रदर्शन राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिला। छात्रों ने नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की, क्योंकि 4 जून को नीट का जो रिजल्ट आया उसने 23 लाख छात्रों की चिंता बढ़ा दी।
उस रिजल्ट में एक या दो नहीं बल्कि 67 बच्चों को टॉपर बना दिया गया था। यानी इस परीक्षा में उन 67 बच्चों को 720 में पूरे 720 नंबर मिल गए थे। देश भर में नीट परीक्षा देने वाले छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब इतने सारे छात्रों ने एक साथ इस परीक्षा में टॉप कर लिया। इस बार 23 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी और 23 लाख छात्रों में 67 छात्रों को पूरे नंबर मिलने पर बवाल खड़ा हो गया। हालांकि एनटीए से जब इस बारे में सवाल किए गए तो उसने तर्क दिया कि इस बार की परीक्षा पिछले साल के मुकाबले आसान हो सकती है, या फिर ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इस बार ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी। लेकिन एनटीए के इस तर्क से बच्चों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि बात सिर्फ 67 बच्चों के टॉपर बनने की ही नहीं थी, बात यह भी थी कि इस परीक्षा में कुछ बच्चों को 720 में 718 और 719 नंबर भी मिले थे। और ये नीट परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि नीट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी सही जवाब पर 4 नंबर और गलत जवाब पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। इसीलिए अगर कोई सवाल छोड़ता है तो उसे 716 नंबर मिलेंगे और अगर जवाब गलत होता है तो 715 नंबर मिलेंगे। और इसीलिए देश भर में एनटीए पर परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। लेकिन एनटीए ने इसके लिए ग्रेस मार्क का भी तर्क दिया। एनटीए के मुताबिक कई जगहों पर पेपर 20-20 मिनट की देरी से दिए गए थे और इसकी भरपाई उन छात्रों को ग्रेस मार्क देकर कर दी गई थी। एनटीए के मुताबिक उन ग्रेस मार्क की वजह से कई छात्रों के 718 या 719 नंबर भी आ गए, लेकिन एनटीए का कोई भी तर्क गुस्साए छात्रों को शांत करवाने के काम नहीं आया, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। छात्रों ने इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की, क्योंकि 67 टॉपर बनने की वजह से कई छात्रों को अच्छे मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन तक मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि इन 67 छात्रों में 17 छात्र ऐसे होंगे जिन्हें दिल्ली एम्स में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली एम्स में सिर्फ 50 सीटें हैं, जबकि इस बार 67 छात्रों ने टॉप किया है। यानी टॉप करने के बावजूद 17 बच्चे दिल्ली एम्स में दाखिला नहीं ले पाएंगे। लेकिन इतने सारे टॉपर होने की वजह से इस बार कट ऑफ भी ज्यादा होगी। यानी पिछले साल जिन बच्चों को 610 नंबरों पर भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, उन्हें इस बार 650 नंबरों पर भी सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए देश भर के छात्र गुस्से में। छात्रों ने एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। छात्रों ने एनटीए पर परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। मध्य प्रदेश के बोटशाला में एएसआई का सर्वे जारी है। बोटशाला में पिछले 81 दिनों से एएसआई का सर्वे चल रहा है। इसमें 80 और 81वें दिन की खुदाई में एएसआई को कई अहम सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। ये सबूत मिलने से हिंदू पक्ष के लोग काफी उत्साहित हैं। अब दावा यह है कि सर्वे में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली है, लेकिन इस दावे का मुस्लिम पक्ष खंडन कर रहा है। भोजशाला के गर्भगृह में मिल गई देवी। खुदाई में निकली ब्रह्मा गणेश हनुमान की मूर्तियां